जीत का परचम लहराने के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों बेताब हैं, लेकिन जीत किसी के हिस्से नहीं आ रही है। कभी पुतिन भारी पड़ रहे हैं तो कभी ज़ेलेंस्की। इस बीच दोनों वॉर स्ट्रैटेजी में लगातार बदलाव भी कर रहे हैं। पुतिन ने अपने तबाह होते टैंकों को बचाने के लिए रणभूमि में अब एक नया टैंक उतार दिया है और एक टैंक में यूक्रेन की जमीन को दहला देने की ताकत भी है। अचूक मार और बेहद तेज प्रहार वाले इस टैंक को अब तक पुतिन ने बचा कर रखा था, लेकिन जब यूक्रेनी सैनिक रूसी टैंकों के कब्रगाह में तब्दील होने लगा तो पुतिन को मैदानी जंग में टर्मिनेटर को उतारना पड़ा। यूक्रेन को झुलसाने वाला रूस का नया हथियार। वो हथियार जिसका तोड़ यूक्रेन के पास नहीं है। ऐसा टैंक जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में अब तक नहीं हुआ। यूक्रेन की रणभूमि में पहली बार रूस ने उतारा टर्मिनेटर। डॉनबॉस इलाके में पहली बार दिखा टर्मिनेटर। रूस के पास एक से बढ़कर एक टैंक है, लेकिन जिस पैमाने पर यूक्रेन रूसी टैंकों को तबाह कर रहा है वो पुतिन के लिए चिंता का सबब बन गया है। लिहाजा पुतिन ने अपने सबसे बेहतरीन टैंकों में से एक टर्मिनेटर को युद्ध भूमि में उतार दिया है। बताया जा रहा है कि BMT टर्मिनेटर टैंक को तो सीधे राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर तैनात किया गया है। यूक्रेनी सेना ने ब्रिटेन और अमेरिका से मिली एंटी टैंक मिसाइलों की मदद से रूस के सैकड़ों T-90M और T-72 मुख्य युद्धक टैंकों को बर्बाद किया है। ऐसे में टर्मिनेटर टैंकों की तैनाती को काफी अहम माना जा रहा है। टर्मिनेटर टैंक के तैनाती की जानकारी हाल ही में सोशल मीडिया में वायरल हुए एक वीडियो के जरिए मिली है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने डॉनबॉस क्षेत्र में टर्मिनेटर टैंकों की एक प्लाटून तैनात किया है। इसे लुहांस्क क्षेत्र में सेवरोदोनेत्स्क के पास देखा गया है। इस टैंक को डॉनबॉस के शहरी क्षेत्रों में लड़ने वाली पैदल सेना की यूनिटों को मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। टर्मिनेटर टैंक ग्रेनेड लॉन्चर, एंटी टैंक सिस्टम और छोटे हथियारों से लैस है। टर्मिनेटर टैंकों की पहली खेप को पिछले साल दिसंबर में यूराल टैंक डिवीजन भेजा गया था। यहाँ इस हथियार के परिचालन, मूल्यांकन और ट्रेनिंग कराई गई। परीक्षण के दौरान इस टैंक ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। सीरिया और इराक में भी मिशन के दौरान टर्मिनेटर टैंक ने गजब की ताकत दिखाई थी। इस टैंक की मारक क्षमता और उबड़ खाबड़ इलाकों में इसके इस्तेमाल को देखते हुए रूसी अधिकारियों ने सेना में टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल की एक रेगुलर कंपनी को स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके बाद 2022 की शुरुआत में ही टर्मिनेटर टैंक को औपचारिक रूप से रूसी सेना में तैनात किया गया था। BMT टर्मिनेटर एक टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है। यह टैंक गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर यह टैंक शहरी क्षेत्र में लड़ाई के दौरान अपने दूसरे साथी टैंक और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को नजदीकी सहायता पहुंचाता है, जिससे दुश्मनों के हेलीकॉप्टर, ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दूसरे हवाई जहाज निशाना नहीं बना पाते हैं। BMT-72 टैंक को पहली बार 2013 में रूसी आर्म्स एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। और आइए अब आपको दिखाते हैं कितना खतरनाक है टर्मिनल टैंक।
टर्मिनेटर को आखिरकार पुतिन ने इतनी देर से उतारने का फैसला क्यों किया, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस टैंक में लगे हुए हथियार कौन कौन से हैं, जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि ये अचूक हैं और दूसरी रूसी टैंकों की तरह ज़ेलेंस्की की फौज इसे तबाह नहीं कर सकेगी। टर्मिनेटर टैंक के प्रमुख हथियारों में 130 mm की एटाकार 30 मिसाइल लॉन्चर, 230 mm 2A42 ऑटो तोप शामिल हैं, जबकि इस टैंक के दूसरे हथियारों में 230 mm AG 17D ग्रेनेड लॉन्चर और 7.62 mm PKTM मशीन गन है। इस टैंक को रूस की प्रसिद्ध T-72 मैन बैटल टैंक के चेजिस पर बनाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन में रूस के कब्जे की योजना अपने प्लान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। यूक्रेन में अब तक रूस के 873 टैंक बर्बाद हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या रूस के T-72 टैंकों की है। T-72 टैंक को शीत युद्ध के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ के इंजीनियरों ने बनाया था। इस टैंक को रूस के दुश्मनों खासकर अमेरिका के खिलाफ निर्णायक रूप से प्रहार के लिए बनाया गया था। T-72 टैंक के 2000 से ज्यादा यूनिट आज भी रूसी सेना में तैनात हैं। युद्ध के मैदान से आ रही तस्वीरों से पता चलता है कि रूसी टैंक तकनीकी समस्या से ग्रस्त हैं, जिनके बारे में पश्चिमी देश बहुत पहले से जानते हैं। इसे तकनीकी भाषा में जैक इन द बॉक्स प्रभाव कहा जाता है। समस्या ये है कि आधुनिक पश्चिमी देशों के टैंकों के उल्टा रूसी टैंकों में गोला बारूद को बुर्ज के भीतर रखा जाता है। यही बात रूसी टैंकों को अत्यधिक असुरक्षित बनाता है, क्योंकि दुश्मन के गोले का डायरेक्ट हिट टैंक के अंदर चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जो अंदर मौजूद पूरे जखीरे में आग लगा सकता है। इसी के कारण रूसी टैंकों के बुर्ज हवा में उड़कर दूर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या टर्मिनेटर इस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसकी भी डिजाइन दूसरे रूसी टैंकों की तरह ही है। रैंड कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के मुताबिक यूक्रेन में जब लड़ाई शुरू हुई तो रूस के करीब 2700 लड़ाकू टैंक तैनात किए गए थे, लेकिन देखते ही देखते इन टैंकों को अमेरिकी जेवलिन से यूक्रेनी सेना ने तबाह करना शुरू किया और आज पूरे यूक्रेन में रूसी टैंकों का मलबा बिखरा पड़ा है। और शिफ्ट